आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत के अलग अलग शहरों में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। खबरों के मुताबिक 6 जून को एक आधिकारिक लेटर जारी करते हुए खुली धमकी दी गई है। संगठन गुजरात, यूपी, मुंबई, दिल्ली में आत्मघाती हमले के लिए तैयार है। एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बीजेपी नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अलकायदा ने यह लेटर जारी किया है और साफ कहा है कि हमें पैगंबर के अपमान का बदला हम लेंगे, जल्दी बीजेपी का अंत होगा। आतंकवादी संगठन ने लेटर में कहा है कि हम उन लोगों को मार देंगे जो हमारे पैगंबर का अपमान कर रहे हैं। हम अपने और अपने बच्चों के शरीर पर विस्फोटक बांधेंगे ताकि ऐसे लोगों को उड़ाया जा सके। वे न अपने घर पर छुप पाएंगे और न ही सुरक्षा बल उन्हें बचा पाएंगे। वहीं नूपुर शर्मा की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी कि विवादित टिप्पणी मामले के बाद उन्हें और उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई है। बता दें, पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता की विवादित टिप्पणी को लेकर मुस्लिम देशों में काफ़ी नाराजगी है। कई खाड़ी देशों ने इन टिप्पणी को लेकर भारत के सामने आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया है, जबकि कुवैत, कतर, ईरान ने तो रविवार को भारतीय राजदूतों को तलब किया था। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।